फिजियोथेरापिस्ट और फार्मासिस्ट को अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखने से मना करने का मामला हायर एजुकेशन कमीशन ने वजाहती नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फार्मासिस्ट और फिजियोथेरापिस्ट अपने नाम के साथ अब डॉक्टर लिख सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने नाम के साथ डॉक्टर लिखने से रोक दिया था। फिजियोथेरापिस्ट और फार्मासिस्ट ने नाम के साथ डॉक्टर लिखने से मना करने पर एहतजाज भी किया था और हायर एजुकेशन कमीशन ने ये वजाहती नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन में कहा यह गया है कि फार्मासिस्ट और फिजियोथेरापिस्ट अपने नाम के साथ अब डॉक्टर लिख सकते हैं। अब्दुल वहीद हमारे साथ मौजूद है, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। अब्दुल वहीद, कुछ कन्फ्यूजन आ रही है, क्या फिजियोथेरापिस्ट और फार्मासिस्ट अपने नाम के साथ डॉक्टर लिख सकते हैं या नहीं? ये एक बड़ी डिबेट है और इस चीज को लेके गुज़श्ता कई सालों से इस पे जो मेडिकल डॉक्टर हैं वो इन पे तंकीद करते रहे हैं और कुछ वीक पहले यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज की जानिब से भी एक मरासला निकाला गया था जिसमें इनको मना कर दिया गया था, जिसके खिलाफ खासतौर पर फिजियोथेरापिस्ट और इसके साथ साथ जो फार्मेसी कम्युनिटी वो सरापा एहतजाज रही थी और HEC ने एक वजाहती जो लेटर है वो निकाला है जिसमें उन्होंने इनको ये इजाजत दी है कि जो फिजियोथेरापिस्ट है वो लिख सकते हैं। मगर अभी भी ये डिबेट है, ये बाकी है कि जो मेडिकल डॉक्टर हैं जो एविडेंस करके आते हैं वो इस चीज की मुखालफत कर रहे हैं और उनके खिलाफ हैं और सोशल मीडिया पर भी खासतौर पर इनको तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है। मगर HEC ने एक वजाहती ये जो नोटिफिकेशन है ये निकाल कर उनको एक ठप्पा लगा दिया है। बहुत शुक्रिया आपका।